जल्दी बोलो। व्हाइट व्हाइट कपड़े इनके, काली करतूत है, इलेक्शन के वक्त इनको जनता लगती क्यूट है, इलेक्शन के वक्त गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, पूरे साल जाने क्यों रहते ये म्यूट हैं, हाल भी ना पूछते हैं, ये हमारी चोट का आ गए हैं फिर से लेकर के जीतने के बाद, ये तो ऐसे बदलते हैं जैसे रंग बदला था रातों रात नोट का, हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो राजनीति है, अत्याचार तुम करो गरीबों पे बीती है, जो आज भूखा सोया है कल भी भूखा सोएगा, फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीती है, मैं भी हूँ बालक इसी समाज का, सबसे पहले समर्थन देश के विकास का, फ्यूचर को छोड़ो हाल सुधारो पहले आज का, देखनी है सकल मुझे देश की समाज की, नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की, जो बातों से सहमत हो मेरा साथ हाथ बढ़ाओ तुम, एक कदम मैं चलूँ तो दूसरा बढ़ाओ तुम, वोट बड़ा कीमती है ध्यान देना देश का, चंद रुपयों में ही ना यूं बिक तो ये भाई है रैप है शाबाश, पूरी बात कह दी। हाँ जी हकीकत बोल दी, आज ठीक हो बिल्कुल एकदम, तुमने भी हकीकत बोल दी। जी जी अमित जी वेरी क्विक, ये कौन सा केजरीवाल सरकार का मॉडल है कि मंत्री 6 महीना मंत्री बनते हुए तिहार में मसाज करा रहा था, ये मॉडल अब देंगे, ये मॉडल देंगे कि पानी मांगोगे तो काला पानी दे देंगे, ये मॉडल है। और हम लोग तो गांव से आते हैं सर, गांव में कायदा है, नए बच्चे को तो प्रवेश मिल जाता है लेकिन जो बच्चा 2 बार फेल कर जाए उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है, बंगाल में ये लगातार फेल हो रहे वहां से बाहर कर दिया गया। और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे भाई साहब, केजरीवाल जी पूरे चुनाव में क्या कह रहे थे, हमने इतने लोगों को तीर्थ करवा दिया, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, कांग्रेस पार्टी पहली बार धार्मिक रूप से आरक्षण, तीर्थ करवाना हिंदू मुस्लिम है, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ देना, गरीब के बच्चे को शिक्षा देना, ये हिंदू मुस्लिम है। आप एक्सपर्ट के नाम पे यहाँ पर आए हैं लेकिन आप प्रवक्ता बन के आइए किसी पार्टी का, सच्चाई ये है कि देश में अभी उस बच्चे ने जो सुनाया रैप में, ये भावना है देश की, आम आदमी को महंगाई पे चाहिए, सफाई पे चाहिए, उसको चाहिए ऐसी सरकार जो जनता की सेवा करे काम करे। सर सर ये कह रहे थे कि जिस श्री राम का मंदिर बनने पर मेरी नानी कहती है कि किस राम किसी के घर को तोड़ कर नहीं बनेगा, आज उसी श्री राम के मंदिर पर जब मंदिर बन गया हिंदू संगठित हो गया तो कहते वोट लेना है तो हम तीर्थ कराएंगे, ये केजरीवाल ऑफ मॉडल है। अरे आपको तो जितनी तरक्की आपको दिल्ली की जनता ने दी आपने किया क्या, आपको कच्ची कॉलोनियों को पक्की करनी थी या पक्का मकान शीश महल बना, अच्छा तुम ऊपर खड़ा तो तुम्हें दिख रही होगी, देखो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन जहर की तरह, ये सारी पार्टियां अगर चाहें, आम पार्टी और बीजेपी, ये दोनों पार्टियों में सबसे बड़ी कमी क्या है, हम अपने बच्चों को क्या सांसों में दे रहे हैं, ये कुछ भी बोलते रहे, वो कहते जी पंजाब से आ रहा है, जैसी पंजाब में सरकार आई तो ये कहते जी पंजाब की वजह से नहीं हरियाणा से आ रहा है यूपी से आ रहा है, ये इतनी जगह फंड लगाते हैं क्या दिल्ली के अंदर हम पोल्यूशन फ्री, कितनी कितना कितनी देर लगती है, अगर ये किसानों को कोई इक्विपमेंट देते कोई चीज देते पंजाब में हरियाणा में, सबसे बड़ी समस्या का हल कहाँ पे हो पोल्यूशन को लेकर, बड़ा सवाल है। ऑफकोर्स हम पोल्यूशन पे वाले में मुद्दे पे बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। जी अरोड़ा जी, प्रतीक जी बिना भूमिका के जिंदगी जीत की मौत हार की, रात 41 जवान हमारे श्रमिक हमारे मजदूर जिस प्रकार सुरंग से बाहर आए उनको सबकी तरफ से शुभकामनाएं आज के दिन बिना भूमिका के। अब बात की पॉल्यूशन की, भाई ने दिल्ली की आवाम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम पार्टी हो, हम पॉल्यूशन की बात कहते हैं वो कहते हैं कि 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कहते हैं इतने विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, अरे जनता को फुटबॉल बना दिया फुटबॉल, हमें बीजेपी कांग्रेस आम पार्टी नहीं करनी, पॉल्यूशन दूर करना है। अभी जहां तक बात की आपने बंगाल की, अमित शाह जी की बात की, मैं अमित शाह जी की बात पे आता हूं, अरे चर्चा होगी, उन्होंने कहा अगर, 3 बार अमित शाह जी ने अगर बोला, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, और चर्चा होगी बेरोजगारी पे, चर्चा होगी महंगाई पे, चर्चा होगी महिला उत्पीड़न पे, इन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार की जनता देश की आवाम
मैं बंगाल से शुरू करता हूँ, देश में बाद में आऊंगा। बंगाल में बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी, वो करीब पहुंच ही नहीं सकती। जिस प्रकार पहले आम आदमी पार्टी ने, जिस प्रकार बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट, और मुझे तो लगा था कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अपनी डुप्लीकेट फोटो बना के जिस प्रकार से बंगाल में प्रचार हुआ, क्या हुआ? जी नीति, सबसे पहले प्रतीक जी पूरे देश को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे श्रमिक 41 और भारत के इतिहास में इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें पूरी सरकार ने केंद्र से अपनी पूरी इस प्रकार से पहाड़ फाड़ के हमारे मजदूरों को निकाला है, उसके सराहनीय करना चाहिए। और विश्व गुरु की जो संज्ञा भारत देता आया है, वो विश्व स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे उसको डिलीवर कर रहा है। मेरे सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने प्रश्न, आ रहा गुरु जी, आ रहा, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, सब ठीक तो है? खाना ना हजम हो रहा था? बहुत दिनों से, डेढ़ महीने से बोल नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, घर वाले क्या कर रहे थे फिर? राजस्थान थे। तो आराम से रहिए, मैं आ रहा हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। मैं आ रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड को भी आप जरूर दें, दिल्ली जल बोर्ड के भी इंजीनियर्स वहाँ पे गए थे। जी, दिल्ली को भी दीजिए। 70,000 करोड़ में दिल्ली जल बोर्ड को डुबो दिया, वो भी बता दीजिएगा। दूसरी बात सुन लीजिए आप, अभी मेरे भाई ने बोला कि ऐसी डिबेट्स में 70,000 करोड़ वाला तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप बैठिए, दिल्ली का आपके आपके मोहल्ले क्लिनिक फेल हो गए, उस समय जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब शीश महल बन रहा था, जब कहते थे वैगन आते जाने, सिक्योरिटी आपको चाहिए, घर चाहिए नहीं था, अन्ना जी की टोपी आप भूल गए, आप अपने सहयोगी बोल रहे हैं, लोकल कहाँ है ये तो बता दीजिए। पराली जी, सारे लोगों को श्रेय, पंजाब आपके पास था, पराली आप कंट्रोल नहीं कर पा, दिल्ली पॉल्यूशन उसकी जेल जल रहे, खांसते हुए केजरीवाल आए थे, स्वस्थ हो गए, दिल्ली को खांसने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। दूसरी बात, मेरे भाई ने सबसे पहले प्रश्न किया था, मैं इनका जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है। ना आपका घर बीजेपी चलाता है साहब, ना कांग्रेस चलाती है, आपका घर ये सरकार अगर आपको सुविधाएं देती है आप खुद चलाते हो, लेकिन वोट उस बटन पे दबाना जिससे खुशियां हिंदुस्तान में बने, ना कि पाकिस्तान और ये शब्द आए ना हमें आ गया। अब इतनी ज्यादा देर बाबा विश्वनाथ का वेट नहीं हो सकता। जी बोलिए हुजूर, क्या नाम है? मेरा नाम वैभव मिश्रा। वैभव जी, कहाँ दिल्ली आना कैसे हुआ? मेरे सिस्टर का मैरिज था कल। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बालकों को भी, ये आपके बहुत बड़े फैन है, एक बार बोल के दिखा दो। अरे क्या बोला, नहीं आप ही बोले, पापा बोले। मेरा ये कहना है, मेरे दो बातें हैं, एक तो आपके न्यूज, अपने इस न्यूज शो पे, और एक अपने देश के प्रधानमंत्री जी पे। जी बोलिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूज 18 इंडिया का मैं बहुत इस शो का खास तौर पे बहुत बड़ा फैन हूँ, और एक होता है कि घर पे जब कोई चलता है सीरियल तो उसमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं सास बहू देखूंगी, बच्चे कहेंगे मैं कार्टून देखूंगा, और बड़े बुजुर्ग कहेंगे मैं धार्मिक चैनल देखूंगा, और जो आपके शो का लवर है वो कहेगा मैं आपका शो देखूंगा। लेकिन आपका एक ये शो है जिसपे कि रजामंदी